दिल्ली में बुधवार को शाम 4 बजे तक उमस भरी गर्मी रही। इसके बाद मौसम में बदलाव आने लगा, बादल छाए और शाम 6 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अपने ऑरेंज अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया। रेड अलर्ट सबसे गंभीर अलर्ट है। मयूर विहार में सबसे ज़्यादा 119 mm बारिश हुई है। बारिश इतनी तेज थी कि महज आधे घंटे में राजधानी में कई जगहों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के 6:30 बजे अलर्ट जारी किया कि घने काले बादलों ने राजधानी के 4 जिलों को घेर लिया है। इन बादलों की वजह से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पालम एयरपोर्ट पर बिजली चमकने के साथ आंधी चलती रही। इस दौरान हवाओं की तेज गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। राजधानी में ये मानसून का करीब 4th मौका है जब दिल्ली के लगभग हर एरिया में बारिश हुई। हालांकि सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली में हुई है। वहीं NCR के इलाके में भी बहुत तेज़ बारिश हुई है। नोएडा सेक्टर 63 और सेक्टर 62 में भारी जल जमाव देखने को मिला। भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त रहा। लोगों के सीने तक पानी के भराव होने के कारण लोगों को बेहद ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग पानी में चलने के लिए मजबूर दिखे। वहीं सड़कों पर जगह जगह पानी में डूबी हुई गाड़ियां भी नजर आए। नोएडा में पानी भरने की समस्या कोई नई नहीं है। नोएडा में हर साल ऐसे ही बारिश के समय पानी भर जाता है, लेकिन नोएडा प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। स्काईमेट के अनुसार बुधवार शाम के समय अच्छी बारिश हुई है। इसकी वजह से 2 से 3 दिन थोड़ी राहत रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं शुरू हो सकती है। ये गतिविधियां 1 अगस्त को भी जारी रहेंगी। 2 अगस्त से मौसम में सुधार होगा और इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद की जा सकती है। उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि के लिए मानसून ट्रफ मुख्य वजह है। ये ट्रफ पिछले कुछ दिनों से अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण में स्थित है। अब ये ट्रफ रेखा उत्तर की ओर बढ़ रही है। इससे पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों, दिल्ली में बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में अगले 2